कांग्रेस के द्वारा गौ और किसानों के हित के लिए पदयात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर यह पदयात्रा निकाली गई। हरदोई के शाहबाद के ग्राम पंचायत लोनी गांव में पदयात्रा के पहुंचने का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजीमो शान ने कहा कि एक महीने से ऊपर हो गया है देश का किसान दिल्ली में किसान बिल को वापस कराने के लिए और एमएसपी में गारंटी के लिए धरने पर बैठा है, लेकिन इस सरकार के पास किसानों से बात करने का वक्त नहीं है। भाजपा सरकार किसानों से ओछी राजनीति कर रही है। भाजपा सरकार में ना किसान सुरक्षित हैं और ना ही गायें सुरक्षित हैं। कांग्रेसी नेता ने कहा कि यह सरकार दोनों के साथ ओछी राजनीति कर रही है। कृषि कानून से किसानों का दमन करने वाली सरकार में गौशालाओं में चारा पानी के अभाव में गायें और बछड़े दम तोड़ रहे हैं। गोरक्षा के नाम पर हामी भरने वाली सरकार तमाशा देख रही है। रोजगार के नाम पर नौजवानों को ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तीनों काले कानून निरस्त करे, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे और सभी कृषि यंत्रों पर जीएसटी समाप्त करे। इस अवसर पर सत्तार खान, अनोखे लाल राजपूत, गुलजार अहमद, निकेश यादव, मानसिंह आदि मौजूद रहे। पार्टी की सरकार किसान विरोधी साबित हुई है। आपने देखा होगा कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्ती महबूबा के समाधान किया था सिर्फ सरकार बनाने के लिए, तो फिर आज खेत और किसान को बचाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी अन्नदाताओं के साथ समाधान क्यों नहीं कर रही। आज एक महीने से ऊपर हो चुका है, हमारे 40 से ज़्यादा अन्नदाता इस किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, उनको हम नमन करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इन किसानों से कोई संवेदना नहीं प्रकट कर रही। आज इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश का किसान लामबंद हो चुका है। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा के किसान नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, वो भी छोड़कर 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली में कूच कर चुके हैं। जिले के भी कई नेता किसान, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता किसानों के समर्थन में स्टेटमेंट दे रहे हैं और जमीन की लड़ाई पूरे जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी पदयात्रा के माध्यम से किसानों के लिए लड़ रही है। हमें संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश हित में किसानों के साथ खड़ी है और हमेशा किसानों के लिए संघर्ष करती रहेगी। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोग पूरे प्रदेश में किसान बचाओ पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसी के साथ आज ये आखिरी अंतिम दिन हमारी रेवा मुरादपुर की न्याय पंचायत में, ग्राम पंचायत लोनी में आज ये आखिरी दिन कांग्रेस पदयात्रा संपन्न हुई। इसमें हमारे साथ जिला सचिव अनोखे लाल राजपूत, जो कि टोंडरपुर ब्लॉक के प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। शाहबाद ब्लॉक अध्यक्ष नितेश यादव जी भी हमारे साथ उपस्थित रहे। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष गुलजार अहमद सिद्दीकी, बढ़ चढ़ के सारे विधानसभा में जो कार्यक्रम हुए सबने भाग लिया। टोंडरपुर ब्लॉक अध्यक्ष सत्तार खां का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस ब्लॉक में उन्होंने न्याय किसान पदयात्रा का आयोजन किया। नगर अध्यक्ष मान सिंह भी हमारे साथ उपस्थित रहे। अन्य सभी ब्लॉक टोंडरपुर ब्लॉक के पदाधिकारीगण, तैयब खां, जुबैर अहमद, मान श्याम चंद, रामलाल आदि लोग काफी संख्या में उपस्थित रहे। आप सभी का आभार। जय हिंद, जय कांग्रेस। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.